चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए आए हैं इसमें बिल्डिंग मटेरियल का कुछ क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्शन का, जो कि ब्रिक मेजनरी एंड ब्रिक से रिलेटेड है। और ये आपका है पार्ट टू है, पार्ट वन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं पार्ट वन। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एलुमिना इन द क्ले इज रिफ्लेक्टेड इन द ब्रिक एज। तो बताइए, जो एलुमिना क्ले में ज़्यादा हो जाने के चलते ब्रिक क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका बता, पार्ट वन जो वीडियो था उसमें आपको कंपोजिशन ऑफ क्ले आपको बता दिए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ क्ले। एलुमिना होता है, सिल्का होता है, लाइम होता है और आयरन ऑक्साइड होता है। तो देखिए, सिल्का पाया जाता है 50-60%, लाइम पाया जाता है 4-5% एंड एलुमिना पाया जाता है 20-30% एंड आयरन ऑक्साइड 5-6%, मैग्नीशियम 1% पाया जाता है। ओ तो आप याद रखिएगा। और हाँ, एक्सेस एलुमिना हो जाने के चलते यहाँ पे आपका ब्रिक क्रैक कर सकता है और वार्प कर सकता है ऑन ट्राइंग पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है केपीएससी जेई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। सेम क्वेश्चन कराए थे पार्ट वन में भी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इसका काफ़ी डिटेल में बताए हुए हैं सेम क्वेश्चन को, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसका मतलब कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, सेकेंड क्लास ब्रिक का कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड क्लास ब्रिक का कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो सब उसमें पार्ट वन में दिया हुआ है। इसमें बता दे रहे हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% होता है, और सेकेंड का होता है 22%, और थर्ड का होता है 24-25%। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 20-22-24-25। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना हो जाएगा 20%। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन अर्थ गिव्स प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक अर्थ शेप। जो उसका शेप होता है, डिजाइन शेप, उसमें प्लास्टिसिटी उसमें प्लास्टिसिटी देता है, वो कौन सा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एलुमिना। ठीक है, एलुमिना आपको बताया था उसमें, एलुमिना प्लास्टिसिटी गिव करता है। और ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन केपीएससी जेई में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक आर बर्न एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो ब्रिक बर्न करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है। उसका टेम्परेचर जनरली 1100 होता है। ठीक है, 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आपका इसमें देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा 900-1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूजुअल नेम गिव टू सेल्फ स्कल्पचर मेड बाय द अर्थन वेयर यूजिंग वेग्ड अर्थिज। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। द यूजुअल क्या है, द यूजुअल नेम गिवन टू स्कल्पचर नेम मेड बाय अर्थन वेयर यूजिंग बेक्ड अर्थ इज। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है टेराकोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इन सेंटीमीटर इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस इज। चलो बताइए स्टैंडर्ड साइज कितना होता है इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस के साथ। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20×10×10, जबकि स्टैंडर्ड साइज होता है विदाउट इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस 19×9×9 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे भी क्वेश्चन आपको केपीएससी में जेई में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड इन जनरल कंटेन अबाउट एलुमिना। तो चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अभी बताए थे सेम क्वेश्चन कि एलुमिना का परसेंटेज होता है
जो 20 से 30% होता है, और सिल्का का 50 से 60% होता है, और लाइम का 4 से 5% तक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, केपीएससी जेई में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड बी द रिफ्रैक्टरी ब्रिक बी यूज्ड। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है, इसका कमेंट बॉक्स में जो जो आंसर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे सकते हैं, ताकि पता आपको लगे कि आप कितना आंसर, कितना क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। तो इसमें सही आंसर है कंबस्टन चैम्बर, ठीक है, कंबस्टन चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेजनरी ब्रिक। अभी सेम क्वेश्चन हम बताए थे आपको, जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 19 × 9 × 9। और पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेजनरी ब्रिक विथ मोटार, ठीक है, तो उसमें हो जाता है 20 × 10 × 10। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है केपीएससी जेई में, एमपीएससी और इसरो में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है, क्वालिटी गुड ब्रिक अर्थ। तो चलिए सबसे ज़्यादा, ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो भी कॉम्पोजिशन रहेगा इन्ग्रीडियंट, तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा सिल्का। सिल्का सबसे ज़्यादा होता है 50 से 60%, और सेकेंड हो जाएगा एलुमिना हो जाएगा, एंड थर्ड लाइम, मैग्नीशिया तो 1% ही होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द रूल एंड स्पेसिफिकेशन चूज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक मेजनरी, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है, ऑल ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। बी है, द मोटार जॉइंट शुड बी ए थिन एंड पॉसिबल। द वर्टिकल जॉइंट शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड शुड बी स्टेगर्ड इन कंसेक्यूटिव लेयर। या डी है, द इंटायर वॉल हाइट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट स्टॉपेज इन बिटवीन। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सी, वर्टिकल जॉइंट शुड नॉट बी कॉन्टिन्यूस एंड शुड बी स्टेगर्ड इन कंसेक्यूटिव लेयर, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग एलो थिन टू ब्रिक। तो चलिए इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशिया, ठीक है, एलो मैग्नीशिया देता है, ठीक, उसी समय आपको बताए थे। और आयरन ऑक्साइड जो रेडिश कलर देता है, ठीक है, रेडिश कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय द ब्रिक डिपेंड अपॉन। द स्ट्रेंथ होता है अचीव करता है वो किसके से अचीव करता है, ठीक है, कंपोजिशन। पहला ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, अगर ब्रिक में जो कंपोजिशन है वो अच्छी तरह से रहता है तो अचीव करेगा ही। नेचुरल मॉडलिंग ऑफ अडोप्टेड, ये भी सही है। एंड सी है, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, ये भी सही, कूलिंग और बर्निंग प्रोसेस से भी अच्छा स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है ब्रिक। तो वो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है एमपीएससी में, ठीक है, एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। तो समझिए फेस ऐसा है और इसका परपेंडिकुलर में ब्रिक को बिछाया गया है, लेड किया गया। तो यहाँ पे ऐसे पता लग रहा है कि ई हो जाएगा जो स्ट्रेचर हो जाएगा, ई हो जाएगा जो हेडर हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है ये ऑप्शन, हेडर बोन। अभी बताए थे जो फेस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू करेक्टली सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इस वीडियो में लाए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही वीडियो है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेशन वो क्या होता है, द बॉन्ड, देखिए सॉरी रुक जाइए, चारों लिस्ट आपको पता होना चाहिए।
देखिए स्ट्रेचर बोन, स्ट्रेचर बोन क्या होता है, द बोन कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स या स्ट्रेचर बोन या एंड हेडर। ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इंग्लिश बोन ही होता है, इंग्लिश बोन ही होता है, पहला का सी हो जाएगा। चाहे दूसरा है, द बोन कंटेनिंग अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है इसका, देखिए आंसर बताइए। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, ठीक है, सॉरी इसका आंसर है बी। अभी बताया था ना यहाँ पे, जो स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर होता है, जो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश बॉन्ड में, ठीक है। और दूसरा है, हाँ देखिए, द बॉन्ड कंटेनिंग अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स, तो आपका सही आंसर जाएगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड में, ठीक। और जो बच गया, देखिए ये दो से पकड़ा जाता है आंसर कौन सा होगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही कीजिएगा तो सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ब्रिक मेजनरी बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर इज, दोनों कंटेन होता है उसमें, उसमें को क्या बोलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, तो एक ऊपर हेडर रहेगा एक स्ट्रेचर रहेगा, वो तो नहीं है, ये तो तब क्या बोला, इन विच एवरी एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर इज, क्या बोलते हैं, मतलब प्रत्येक कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर दोनों रहता है, तो वो आपको बोलेगा फ्लेमिश बॉन्ड। और इसका जो ब्रिक का थिकनेस होता है, इसका जो वाल का थिकनेस होता है, डेढ़ ब्रिक थिक का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द रेड कलर ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, अभी हम थोड़ा देर पहले सेम उसमें था एलुम, पिछला क्वेश्चन क्या था, येलो, येलो कलर कौन सा देता है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट देता है, तो उसमें था मैग्नीशियम, और इसमें है रेड कलर, रेड कलर आयरन ऑक्साइड, उस समय बताया था कि रेड, रेडिश कलर कौन देता है, आयरन ऑक्साइड ही देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, और इसको समझिए कि रट ही लीजिए क्या क्या होता है जो, और रटने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक एज द, तो बताइए ए क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है अकॉर्डिंग टू BIS। चलो बताइए, कितना होता है, 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अकॉर्डिंग टू BIS होता है क्लास ए का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, ए ब्रिक मेजनरी कैन फेल ड्यू टू, जो ब्रिक मेजनरी है फेल करेगा, कब कब फेल करेगा, तो क्रॉसिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के कारण भी फेल कर सकता है, सही है, शियरिंग अलोंग क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसके इसके अनुसार भी फेल कर सकता है, एंड रप्चर अलोंग द वर्टिकल ज्वाइंट, ठीक है, इसके अलोंग भी फेल कर सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, ठीक है, एनी ऑफ द एबव, यही क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ जेई में, ठीक है। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो थोड़ा मेहनत लगता है यार, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलते हैं, जितने सपोर्ट कीजिएगा उतने हम लोग को तो मिलेगा कि नहीं भाई, जो हम लोग बना रहे हैं वो सही जा रहा है, स्टूडेंट लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ सिल्का इन ब्रिक अर्थ काउज, चलिए बताइए एक्सेस जब सिल्का ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ब्रिक में, तो वो क्या कर देता है, तो बताइए क्या कर देगा, तो वो कर देगा लॉस ऑफ कोहेजन, पार्टिकल के बीच में कोहेजन, मतलब कोहेजन नहीं हो पाएगा, लॉस कर देगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पग मिल,
पग मिल इज यूज फॉर मॉडलिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, बैकिंग ऑफ ब्रिक या टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, या डी है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। तो बताइए पग मिल किसके लिए यूज करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेम्परिंग के लिए पग मिल यूज करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल्स इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक एक्यूरेटली। ठीक है, जो ब्रिक को काटते हैं वो कौन सा यूज करते हैं टूल्स? तो वो आपका सही आंसर है बोल्स्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। विड्थ के अलॉन्ग जो जो काटते हैं ब्रिक को, देखिए ब्रिक ऐसा रहता है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ये स्ट्रेचर, ये हेडर। ठीक है, ब्रिक के अलॉन्ग काटने है विड्थ के अलॉन्ग, तो वो आपको कहलाएगा बैट्स कहलाता है। ठीक है, बैट्स कहलाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ब्रिक आर मेड फ्रॉम, फायर ब्रिक मेड किससे होता है? तो वो आपका फायर क्ले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस एलुमिना इन द क्ले। सेम क्वेश्चन ऊपर में भी है, तो इसलिए देखिए देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी मेक द ब्रिक क्ले एंड वर्क ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या देता है एलुमिना, एलुमिना प्लास्टिसिटी देता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी देता है, वो अच्छे से अपना यूनिफॉर्म सेव कर सके। ठीक, और वो भी ज़्यादा मतलब हो जाएगा तो वो करेगा तो कर लेगा। ठीक है, उसको जब सुखाने जाएंगे तो वो वार्प कर जाएगा या क्रैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो चलिए बताइए इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन बताए थे कि फर्स्ट क्लास इसका 20 एंड 22 और 24 से 25 होता है। ठीक है, 24 या 25। ठीक है, तो इसमें बताएं 24 तो होता है थर्ड का, सेकेंड का होता है 22 एंड फर्स्ट का होता है 20। तो हम लोग कम लाइन लेते हैं, तो कम वाला कौन सा हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग मानते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 20% ज़्यादा होता है तो अपना क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म किंग क्लोजर इज यूज टू। किंग क्लोजर कहाँ पर यूज करते हैं? किंग क्लोजर जो ब्रिक होता है वो कहाँ पर यूज करते हैं? तो आपका सही आंसर है डी। ठीक है, ब्रिक मेजनरी में इसका क्विंग क्लोजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन ब्रिक। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर है वेज कट। ठीक है, वेज कट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न्ड एट द टेम्परेचर डेट लाइट इन द रेंज ऑफ। अभी बताया था इसका 1100 लेते हैं टेम्परेचर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1100 से 1200 टेम्परेचर। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया है DMRC में। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था DMRC में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक विच मॉडलिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड। तो बताइए जो प्रैक्टिकल में जो मॉडलिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता, कैसा प्रैक्टिकल में नहीं है? ठीक है, ग्राउंड मॉडलिंग तो किया जाता है, टेबल मॉडलिंग में किया जाता है, मशीन मॉडलिंग में, लेकिन ऑटोमेटिक मॉडलिंग अभी प्रैक्टिस में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रॉग इन ए ब्रिक इज प्रोवाइडेड टू मेनली सर्व। ए फ्रॉग क्या कहता है? जो फ्रॉग होता है वो की होता है बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? तो आपका आंसर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा 35, 75 and 105। ठीक है, mm है, kg पर mm। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लोइंग सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक। कौन सा सॉइल अच्छा ब्रिक बनाने के लिए सही होता है? तो वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेशन इन सॉलिड ब्रिक इज अबाउट। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेशन इन सॉलिड ब्रिक
अबाउट इज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, 20%, 20% ऑफ परफोरेशन इन सॉलिड ब्रिक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ द मोल्ड ऑफ ए क्लास ए ब्रिक इज अबाउट, तो आपका सही आंसर होगा कितना का विड्थ को टॉलरेंस कर सकते हैं वो, प्लस माइनस 3 mm को, 3 mm को टॉलरेंस कर सकते हैं, इतना ज़्यादा या कम रहेगा तो चल सकता है क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड मोर्टार इज नोन एज, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक मोर्टार लेड ऑन, लेड मोर्टार इज, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोर्स, ठीक है, कोर्स इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेंडर रेशियो ऑफ मेजनरी बार शुड बी नॉट मोर देन, तो सिलेंडर रेशियो किसका क्या बोलता है, कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेजनरी बार का, तो आपका सही आंसर है 20, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो जानते होंगे इफेक्टिव लेपन अपॉन लीस्ट लेटर डायमेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिमेन इट्स शेप, शेप को बनाए रखने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट जरूरी रहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा शेप को बनाने के लिए है, तो ठीक है, तो चलते हैं क्या इसमें दिक्कत है, तो सही है। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाँ सेम नंबर क्वेश्चन इसका प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो इसका देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो 1 का, पार्ट 1 का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है, सिलिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दन वेयर, ठीक है, अर्दन वेयर, तो इसका साइंस हो जाएगा इम्परवियस, ठीक है, इम्परवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन जॉइंट इन मेजनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन, ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 40%, ठीक है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफैक्टरी ब्रिक रेसिस्ट, क्या था, रिफैक्टरी ब्रिक रेसिस्ट कर सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर सकता है, केमिकल एक्शन को भी रेसिस्ट कर सकता है, और डैम्पनेस को भी रेसिस्ट कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एव। ए भी क्वेश्चन एचपीएससी ए ई के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो चलते हैं। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है, लाइक शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ आप ज़रूर देख लें पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।